डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम पर शेषफल पर आधारित प्रश्न रिमाइंडर थ्योरम को जानेंगे। जैसे 79 टू द पावर 250 को अगर 78 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या 80 का पावर 204 को 81 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या 67 टू द पावर 67 माइनस 7 को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और हम एक छोटे से ट्रिक से जानेंगे जिससे चीजें बहुत आसान होगा, एक बार आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में घर कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहूंगा, और बताना यही है कि कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और ये ऐप का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला है 5 टू द पावर 13 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए पता करते हैं एक सिंपल से तरीके से। बताया क्या है, 5 का पावर 13 जो है इसको अगर 4 से भागा देना है तो मैंने बटे का लाइन खींच दिया, 4 कर दिया। और इसमें हम अब एक चीज पे ध्यान करते हैं। देखिए ये चीज ध्यान देने की काफी जरूरी है, 5 जो है 4 से 1 बड़ा है, या उल्टे शब्दों में बोलूं 4 से अगर 1 घटाते हैं या 5 से 1 घटाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो इनका संपर्क जो है -1 का है। ध्यान देंगे यहां जो हम बताने जा रहे हैं तो उसमें जो है अंश और हर के बीच में जो है -1 का संपर्क होना चाहिए। और इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर a टू द पावर n बटे a माइनस वन होता है, देखिए 5 है n 13 है और नीचे a माइनस वन है, मतलब 5 माइनस वन बराबर 4। तो यही है जब संपर्क होता है, यहां पर कोई भी संख्या रहे लेकिन इससे अगर एक संख्या कम हो तो इसमें जो है शेषफल बराबर 1 होगा। तो यहां पर भी या रिमाइंडर आप 1 होगा, यही रिमाइंडर थ्योरम है। यह रिमाइंडर थ्योरम का पहला पार्ट है। तो यहां भी इसका मतलब शेषफल 1 होगा, या हम इस तरह से ये उत्तर 1 हो गया। या हम दूसरे को लेते हैं 27 टू द पावर 130 और नीचे देखें 26 है, मतलब 27 और 26 में संपर्क क्या है -1 का है, बड़ा नहीं है। 27 से नीचे जो है 26 एक कम है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 होगा। एक और लेते हैं 1307 ले लिया और देखिए 1307 से एक कम 1306 है, पावर भी हमें देखने की जरूरत नहीं है तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा। और हम एक दूसरी लेते हैं 107 का पावर 117 है लेकिन 107 से 106 एक कम है तो ऐसे हालत में शेषफल क्या होगा, 1 होगा। तो आशा करता हूं कि यह आपके दिमाग में एकदम सही स्थिति में जा चुका होगा। अब हम चलिए इसके दूसरे पार्ट को भी देखते हैं। अगर 5 बटे 13 को 6 से भाग देने पर, देखिए वो हमने 5 टू द पावर 13 को पिछली बार 4 से भाग दिया था, -1 का संपर्क था, यहां क्या हो रहा है +1 का संपर्क हो रहा है। 5 टू द पावर 13 को हम 6 से भाग दे रहे हैं तो संपर्क क्या है, देखिए जनाब संपर्क जो है अब +1 का हो गया है। पहले बार -1 था, इस बार +1 हुआ है। ऐसी हालत में क्या होगा, कंसेप्ट क्या बोलता है, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। a टू द पावर a +1 होगा, देखो a टू द पावर n हो तो नीचे a -1 नहीं, a +1 हो, अगर ये 5 हो तो नीचे 4 नहीं, अगर 6 हो। तो ऐसे क्षेत्र में दो कंडीशन होते हैं। अब हमें पावर पे नजर देना होगा। अगर पावर विषम है, देखो यहां 13 विषम है तो शेषफल 1 होगा, और अगर पावर सम है तो शेषफल n होगा, यहां पर जो होगा वही होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं यहां चूंकि पावर 13 है इसलिए शेषफल 1 होगा। कब होगा, जब
इसके अंदर में प्लस वन का संपर्क है। अब दूसरा एक केस लेते हैं, 5 to the power 14 है और इसे हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसे हालत में फिर देखिए यहां संपर्क क्या है, प्लस वन का संपर्क है, तो यहां पर शेषफल क्या होगा, शेषफल n जो है सम है, ठीक है ना, तो यहां पर जो है n का मान जो है, सॉरी यहां पे 14 होना चाहिए, यहां पे 5 हो गया है, तो शेषफल जो n होता है, n हमारा 14 है, ठीक है ना, यहां पर इसे जरा काट के आपको हमें 14 बनाना है, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसे आप लोग सही कर लेंगे, देखता हूं मैं पेन मेरी चलती है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपका 14 हो गया। एक चीज याद रखेंगे, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। अब चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगर हम 4 to the power 13 को अगर हम कितने से भाग देते हैं, एक मिनट, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ढक गया है, एक मिनट जरा मैं इसको, हाँ 7 से भाग देते हैं, 4 to the power 13 को अगर 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, वहीं पर देखिए 4 to the power को हम 7, लेकिन अब जो है इसकी डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ज्यादा हो गया है, ये प्लस वन नहीं है, ये -3 है, ठीक है ना। अरे यार, ये +3 है, ये माइनस, यहां से पूरी टाइपिंग मिस्टेक है, दिस वन इज द +3, ठीक है। तो जो भी है, यहां पर जो मैं +1 -1 का जो संपर्क चला था, ये संपर्क यहां पर नहीं होगा। तो इसकी कंसेप्ट क्या है, अगर पावर n विषम है तो पावर को 1 या 3 लेंगे, इसको समझ लीजिए, अगर ये दोनों की डिफरेंस -1 या +1 से ज्यादा है, अगर ये इसकी डिफरेंस 4 और 7 के में बीच में डिफरेंस क्या है, अगर आप 7 से 4 घटाते हैं तो -3 है, 4 से 7 घटाते हैं तो +3 है। तो कहने का मतलब क्या है, 4 और 7 के बीच में अंतर अगर 1 से ज्यादा है, तो पावर को हम सिंपली एक ट्रिक्स में क्या करेंगे, अगर ये विषम है तो 1 या 3 मान लेंगे, और अगर पावर सम है तो पावर को 2 या 4 मान रख के हम देखेंगे। जरा समझिए, यहां 4 का मान 13 है, 13 है तो मैं 1 और 3 रख सकता था, अगर 1 रखता तो बटे 7 से भाग देना मुश्किल था, इसलिए हमने 4 का power 3 रखा, अब बटे हमने 7 कर दिया। अब देखिए 4 का power 3 मतलब 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो बराबर क्या हुआ, तो ये 16 हुआ तो 64 हुआ, 64 को अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या हुआ, 7 9 63, 7 9 63 तो बचेगा क्या, शेषफल जो 1 बचेगा, क्योंकि 7 9 63 होगा, 64 से 63 घटाएंगे तो क्या होगा, शेषफल 1 होगा। अब दूसरा एक हम लेते हैं, तो यहां पर ये पहला का आंसर ये निकल गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं, 4 to the power 14 को अगर हमें 7 से भाग देना है तो फिर क्या नजारा होगा, तो फिर नजारा ये है कि हम इसको जो है, देखिए ये 14 है तो सम है, तो 2 या 4 ले सकते हैं, तो हमने 2 ले लिया, क्यों, 2 में ही चला भाग लग जाएगा 7 से। अब हम भाग देते हैं तो 4 चौके 16, तो 7 एकम 7 हुआ, ठीक है ना, और 16 से 7 अगर हम घटाएंगे, नहीं 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा। तो जरा फिर से एक बार कर लेते हैं, जब हम इस तरह की भाग देना है और डिफरेंस 1 से ज्यादा हो, तो वैसे में अगर पावर विषम है तो पावर का 1 या 3 ले लेते हैं स्थिति के अनुसार। यहां 4 to the power 1 इसलिए नहीं लिए कि आप 4 को 7 से भाग देंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, इसलिए आपने क्या किया, 4 का क्यूब ले लिया, 1 नहीं तो 3 लेंगे, तो ये 64 हो गया।
7963 हुआ तो शेषफल एक बचा। दूसरा कंडीशन 4 का पावर 14 है, पावर n सम है तो पावर को हम 2 या 4 करके देखते हैं, तो हमने 2 करके देखा तो 4 चौके 16, 7 दूनी 14 तो बच गया शेषफल 2। आशा करता हूं ये भी आपने एकदम सही तरीके से समझा होगा। चलिए अब अगली स्थिति पर जाते हैं, लेकिन एक बात फिर बोलूंगा, अगर ये देख के आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरे से लिखवा लीजिए, मेरा क्या, इस विश्व के सबसे अच्छे पढ़ाने वाले से देख लीजिए, एक महीने के बाद याद नहीं रहेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो परीक्षा हॉल में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो पढ़ना, वीडियो देखना जरूरी है, जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस करना। अब अगले सवाल पे आते हैं। 6 to the power 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर, तो देखिए यहां पे इसको हमें 68 से भाग देने के लिए बोला गया है, सिंपल सी बात है, इसकी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर पावर विषम है तो पावर को 1 या 3 पहली वाली कंडीशन है, यहां विषम है तो मैं 67 to the power 1 कर लेता हूं, तो मतलब हमने, और पावर अगर सम है अभी इस परिस्थिति में नहीं है तो 2 या 4 को कर लेंगे। अब देखिए यहां पे सीधा क्या करते हैं, 67 में 1 प्लस 67 कर दिया बटे 68 कर दिया, अब 7, 7, 14, 6, 6, 12 और 1, 13 तो हम जब जोड़े तो क्या हुआ 134/68 हो गया। अब हम भाग देंगे तो क्या होगा, 1 पूर्णांक 68 तो चला गया, अब 14 में से 8 गया 6 मतलब 66/68, तो देखो यहां पे शेषफल क्या हुआ, शेषफल यही है ना 66, तो यहां पर इसका आंसर जो होगा शेषफल 66 होगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। उसी तरह एक दूसरे सवाल को लेते हैं, यह अवश्य आप समझ चुके होंगे, यहां पर केवल वही है, पावर को अगर देख लीजिए 68 से भाग देना है और इस इनके बीच में 1 का डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में 134 और 66 का डिफरेंस है, तो मतलब हमने एक चीज देखा है, +1 -1 अगर डिफरेंस होता है तो 2 हो गए, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस अगर होता है तो सीधे पावर को 1 या 3 अगर विषम है या सम है तो 2 या 4 करके देखा जाता है। अभी तक ये समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं, 67 to the power 67 - 7 को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यहां पर भी देखिए 67 - 7 ये देखिए विषम है, तो हमने क्या कर दिया, इसे हमें 42 से भाग देना है, तो हमारा कंसेप्ट तो वही है, विषम होने पर 1 या 3 लेंगे और सम होने पर 2 या 4 लेंगे, यहां पर हमें 1 लेते हैं तो 67 से 7 चला जाएगा तो क्या होगा यार, 60/42 ही होगा ना, तो हमें यही हुआ, तो फिर हमारा क्या निकला, इससे जो है 70/42 निकल गया, 70/42 बराबर क्या हुआ, 1 पूर्णांक 28/42 हुआ, तो कहने का सॉरी यहां पर फिर वहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आज हद कर दिया इसने, तो यहां पर जो है आपका शेषफल जो होगा वो 28 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, इसमें भी कोई जान नहीं है, इस तरह से ये शेषफल आपका 28 निकल गया। अब देखिए यहां पर करना है, और इसमें हम कागज कलम की इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब आप बहुत बार समझ चुके हैं। अब देखिए 42 to the power 19 है, ये विषम है तो हम इसको 1 कर लेते हैं तो 42 हो गया, 42 से 11 को हम घटाएंगे तो क्या होगा, 42 से 11 हम घटाएंगे तो 31 होगा, अब 17 से भाग देना है तो 31 को हमें 17 से भाग देना है तो 17 दूनी तो 34 हो जाता है, ठीक है ना, तो 17 को अगर हमें भाग देना है, 31 को भाग देना है 17 से तो कितना बचेगा 14, क्योंकि 17 और 14 31 होता है, तो इस तरह से आंसर हो गया, हमने ना पेन उठाया ना पेपर उठाया, हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। और आप जानिए, इस दिल में बिलीफ रखिए, ऐसे सारे सवाल अभी तक मैंने जो दिखाया है बिना पेन पेपर के होता है,
अगर थोड़ा सा दिमाग में अंदर दो चार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर कागज कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं होता है। तो फिर मैं आप सभी से एक और करते हैं। अब देखिए 47 टू द पावर 41 माइनस 5 को 40 से भाग देने पर क्या होगा। अब देखिए इसको भी हम 47 को पावर 1 ले लेते हैं तो फिर 42 हुआ। 42 को 40 से भाग देंगे तो क्या होगा भैया, शेषफल 2 बचेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है पावर आपका विषमी था, इसे ध्यान रखेंगे, सब नहीं किया है मैंने, तो इसलिए 47 से 5 घटाया 42 हुआ, 42 को 40 से भाग दिए तो आंसर क्या होगा, शेषफल 2 होगा। तो हमने देखा कि पेन और पेपर से बिना कुछ बिना मतलब पेन और पेपर बिना लिए हुए भी आप सवालों को कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखेंगे और एक ही साथ बोलेंगे कि अगर आप सही में गणित सीख के आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे पास है। मैं आपको वीडियो यही ज्यादा दिखाने वाला, मैं हर दिन प्रैक्टिस कराने वाला, मतलब ये एक ऐसी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, हाँ पेड क्लास होगा लेकिन भारतवर्ष में सबसे कम प्राइस में होगा। और साथ ही साथ एक चीज की गारंटी होगी, आज जो सीखेंगे आप नहीं भूलेंगे। गारंटी इसलिए है, हर दिन उस पर कुछ ना कुछ सवाल के प्रैक्टिस होते रहेंगे और इन प्रैक्टिस से सारा चीज ताजा रहता है। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही हमारे एम्बेसडर सौरभ दादा ने जो बोला हुआ है क्लास प्लस में है, उनके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और इंतजार करें तरह तरह के कोर्स। कोई सोच सकता है बेसिक कोर्स 100 रुपए में होते हैं, यहां वो भी अवेलेबल है। तो बेस्ट कोर्स सही माने में सीखना है तो आपका स्वागत है। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार कीजिए कल के क्लास के लिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।